हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आई होप ऑल आर डूइंग वेल सो फ्रेंड्स आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी आज बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्री शेयर के बारे में आप सबको पता है कि ट्वेंटी फर्स्ट मार्च के बाद से ये शेयर सस्पेंडेड है एन एस सी एंड बी एस सी दोनों में तो फ्रेंड्स क्या न्यू अपडेट निकल के आया है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी तो फ्रेंड्स न्यूज इस की आ रही हैं कि कंपनी रीलिस्ट हो सकती है तो फ्रेंड्स इसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ट्वेंटी फर्स्ट मार्च के बाद से जो क्लोजिंग प्राइस था वो था सेवन पॉइंट एट जीरो उसके बाद से कंपनी सस्पेंडेड है तो फ्रेंड्स दो अपडेट निकल के आए थे एक तो था ट्वेंटी अप्रैल को जिसमें यह मैंशन था कि आप सबको अपनी केवाई कंप्लीट करनी है इसके लिए आपको सिंपली बस अपने जिस भी ब्रोकर के थ्रू आपका जी अकाउंट है उनको कॉल करके एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी सारी ई एंड फोन एड्रेस एंड सब कुछ फ़ोन डिटेल्स एंड एड्रेस सब कुछ अपडेटेड है बिकॉज अगर कंपनी कम्युनिकेट करेगी तो वो दोनों वे से कर सकते हैं एक फिजिकल एड्रेस एंड ई एड्रेस एंड फ्रेंड्स सेकेंड अपडेट जो निकल के आया था ट्वेंटी अप्रैल को वो था कि इनकी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो मैं आपको देना चाहूँगी दिस इज न्यू अपडेट कि जो अब इनकी नेक्स्ट मीटिंग है नेक्स्ट हियरिंग है वो होगी थर्टियथ ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को तो फ्रेंड्स अब आप आपको वेट करना है कि थर्टीयथ मई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को क्या रिजल्ट निकल के आता है क्या अपडेट निकल के आता है वो आपके साथ जरूर वीडियो के थ्रू डिस्कस करूँगी तब पहले तो हमें थर्टीअ मई तक वेट करना है देन तो जैसे ही कोई अपडेट आता है डेफ़िनेटली आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताने वाली हूँ इसके लिए बेल बटन को प्रेस करना मत भूलेगा तो फ्रेंड्स होप ये है कि बैक टू बैक एक्शंस हो रहे हैं ऐसा होप तो किया जा रहा है कि कंपनी रिलिस्ट होगी चाहे सिंटेक्स इंडस्ट्री के नेम से हो या फिर चाहे माइट पे डिफरेंट नेम से हो रिलायंस इसे अभी एक्वायर कर चुकी है आप सबको पता है तो अब नेक्स्ट अपडेट करंट अपडेट यही है कि फ्रेंड कि अब इनकी हियरिंग होगी थर्टीथ मे टू को तो आपको जरूर डेफिनेटली वीडियो के थ्रू बताऊंगी थैंक्स फ्रेंड थैंक यू सो मच एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज अपने अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह एक बार खुद से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है तो फ्रेंड्स अगर आपने चेक किया होता मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्रॉम लास्ट वन ईयर इस शेयर के डीलिस्ट होने के न्यूज़ आ रही थी तो आपको उसी टाइम पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके अपने पैसे को सेव कर लेना चाहिए था और किसी ऐसे स्टॉक में लाइक मिड कैप लार्ज कैप किसी अच्छे स्टॉक में जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेते तो आप जो इस टाइम पर रिटेलर्स फंसे हैं शेयर में वो ना ना फंसे होते सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउटेस इंड सिक्स इंडस्ट्री अपडेट जो रिसेंट था कि अब इसकी हियरिंग होगी थर्टियथ मे को तो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक like, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब थैंक यू